निमंत्रण की आशा मत करो, कोई कहेगा उसका आशा मत करो, कोई बुलाएगा उसका आशा मत करो, एक एक आदमी घर से निकल जाना है और 21 तारीख को मच करके रोड पर निकलो, कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए उस दिन, सारा देश का चक्का जाम रहेगा, पूरे देश में बंदी का ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है कि मनोवादियों का कलेजा हिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो सब के सब सवर्ण समाज के हैं, आरक्षण विरोधी समाज के हैं। हम लोग 5 भाई हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी। हम 5ों भाइयों का शोषण ये छठवां करता है, उच्च जाति के लोग, तो इन्हीं के खिलाफ ये भारत बंद है। हम तो कहते हैं कि हम 90% हैं जब भारत में, तो तुम जनगणना करा लो, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो जनगणना नहीं कराएगा, इसलिए नहीं कराता है कि पोल खुल जाएगा। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये नारा पूरे भारत में गूंजेगा। 21 अगस्त को पूरा देश में भारत बंद होगा और जो तमाम SC ST या बुद्धिजीवी समाज के संगठन है वो ऐलान किए हैं कि कोटा के अंदर, कोटा जो लाया गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला के खिलाफ, भारत बंद करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर हैं। क्या तैयारी है सर, 21 तारीख को क्या कर रहे हैं? देखिए, ये जो 21 तारीख है वो बहुत ही इतिहास रचने वाला है भारत में। जी जी जी। क्योंकि इस 21 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान किया गया है उसमें हम लोगों को जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है वो है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का चट्टानी एकता दिखेगा। ये जो हम लोगों का जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो शोषण किया जाता रहा है, खास करके उच्च जाति वर्ग के लोगों के द्वारा पूरे भारत में, मनुवादी लोगों के द्वारा, तो इस बार हमें शक्ति दिखलाना है कि हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज, जिसकी आबादी इस देश में 90% है, उसकी आबादी यहाँ पर 120 करोड़ है, और 120 करोड़ की ताकत झलकनी चाहिए। और हम लोग 5 भाई हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी। हम 5ों भाइयों का शोषण ये मनुवादी लोग करता है, न हमको न्यायपालिका में घुसने देता है, न कार्यपालिका में घुसने देता है, न मीडिया में, नेशनल मीडिया में जाने देता है, न धन में, न धरती में, न राज में, न पाठ में, न विधायिका में, कहीं भी हम लोगों का एंट्री बंद करके रखा हुआ है। हम 5ों भाइयों को मिलना पड़ेगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये 5ों भाई हम लोग, हम लोगों का शोषण ये छठवां करता है, उच्च जाति के लोग, तो इन्हीं के खिलाफ ये भारत बंद है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो सब के सब वो सवर्ण समाज के हैं, आरक्षण विरोधी समाज के हैं, तो वो लोग हमेशा फैसला देते हैं कि इन 5ों भाइयों में मतभेद पैदा करो। अब 5 भाई तो छोड़ दीजिए, अनुसूचित जाति, जनजाति में भी मतभेद पैदा करने का प्रयास किया गया है। ये जो जजमेंट आया है कोटा के अंदर, कोटा, हम तो कहते हैं कि हम 90% हैं जब भारत में, तो तुम जनगणना करा लो, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो जनगणना नहीं कराएगा, इसलिए नहीं कराता है कि पोल खुल जाएगा। 90 हो सकता है, 90% से भी ज्यादा हम लोग हो गए हों, लेकिन वो जनगणना नहीं कराता है, तो जनगणना नहीं कराता है, तो जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो ये नारा पूरे भारत में गूंजेगा। और 21 अगस्त को इसी महीने का जो भारत बंद का ऐलान किया गया है, पूरा बिना कहे हम आह्वान कर रहे हैं पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के जितने भी लोग हैं, निमंत्रण की आशा मत करो, कोई कहेगा उसका आशा मत करो, कोई बुलाएगा उसका आशा मत करो, कोई झंडा बैनर लेकर के बुलाने आएगा ऐसा आशा नहीं करो, एक एक आदमी घर से निकल जाना है और 21 तारीख को ऐसा लगना है, पूरे देश में बंदी का ऐसा माहौल क्रिएट कर देना है कि मनोवादियों का कलेजा हिल जाए और ऐसा लगे कि अब इन लोगों को हम लोग ठग नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा आह्वान है कि बिना कहे, बिना किसी से आग्रह किए हुए, आप अपने स्वेच्छा से निकलिए रोड पर और भारत बंद का आह्वान करिए। अरुण कुशवाहा। अच्छा, ये बताइए सर, 2 अप्रैल को आप, याद होगा जिस तरीके से SC ST एक्ट को कमजोर किया गया था,
उसी मतलब पूरा देश में भारत बंद हुआ था, तो क्या उससे भयंकर होगा? उससे भी बड़ा होगा। इसमें तो पूरा स्थिति गड़बड़ है। उसमें तो सिर्फ कमजोर करने का प्रयास किया गया था, यहाँ तो हमको खंडों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे ही समाज से हमको लड़ाई दो भाग में बांट करके लड़ाया जाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस बार और भयंकर एकदम जी जान लगा करके, और हम आह्वान करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोगों से कि हुमच करके रोड पर निकलो। कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए उस दिन, सारा देश का चक्का जाम रहेगा। और जब तक ये फैसला केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके या अधिनियम बना करके जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला को निरस्त नहीं करता है, तब तक ये संघर्ष चलते रहेगा। उसका पहला जो है बानगी हम लोग 21 अगस्त को दिखलाने जा रहे हैं। पर बिहार में क्या तैयारी है इसकी? बिहार में भी हर जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने हॉस्टल्स हैं, जितने भी SC ST OBC के राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब में उत्साह भर दिया गया है। और उस दिन न सिर्फ राजनीतिक लोग बल्कि हमारे जो छात्र भी हैं, नौजवान छात्र हैं, युवा हैं, समाज सेवी हैं, वो सब रोड पर निकल करके भारत का चक्का जाम करने वाले हैं। चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये अरुण कुशवाहा हैं, और कह दिए हैं कि 21 तारीख को वो दृश्य दिखेगा जो दृश्य 2 अप्रैल को दिखा था। हम आपको बता दें कि 2 अप्रैल को जिस तरीके से SC ST Act को कमज़ोर किया गया था, उसके खिलाफ में पूरा देश में भारत बंद हुआ था, और उसी तरह अब 21 अगस्त को भी ऐलान किया है तमाम बहुजन समाज के लोगों ने कि SC ST आरक्षण को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके खिलाफ 21 तारीख को ज़बरदस्त तैयारी है, और बिहार पटना में भी इसकी तैयारी जोरों शोरों से है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।